नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, कुवैत में हेल्पर के जॉब में तनख्वाह वो मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। अगर आप इन एजेंट से कांटेक्ट कर लेते हैं तो 180 KD, जी हाँ 180 × 40, अगर 245 से अगर इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 50,000 के करीब तनख्वाह बन जाती है, लगभग 44-45,000 रुपये तनख्वाह बन जाती है। जी हाँ, 10 महीने का वीज़ा मात्र 5,000 रुपये में तनख्वाह 45,000। कैसी चची, अच्छी लग रही है, जा सकते हैं। ऑफर लेटर दे दिया, वीजा दे दिया, सिर्फ फोटोकॉपी से, कोई पासपोर्ट भी नहीं देना पड़ा बंदे को। अब सोचिए, अगले ने यह भी बोला है पीसीसी करवानी होगी, आप चाहो तो पीसीसी आप करवा लो या पीसीसी मैं करवा दूंगा, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है ना, उसकी बात है। ये तो हो गई एजेंट की तरफ से जो दिया गया है। अब आपको ऑफर लेटर दिखा देता हूँ, फिर आगे है और बात करते हैं। ये ऑफर लेटर है, ये ऑफर लेटर आपने देखा होगा यार, सब जगह ये 3CC कंपनी का ऑफर लेटर ऐसे कुछ आ जाता है। बंदे का नाम एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट है, जनवरी का निकला भाई, नहीं आ कोई पुराना नहीं है, नाम पासपोर्ट नंबर एम्प्लॉयमेंट ऑफर नंबर वगैरह सब कुछ इसमें दे रखा है। हेल्पर में देख लो जी, हेल्पर में तनख्वाह देखो भाई, कुवैत में 180 KD, जो लोग कारीगर है ना उनको भी 180 KD नहीं मिलता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। 10 महीने का वीज़ा है, प्रमोशन पीरियड 1 मंथ, ज्वाइनिंग रहेगी, ऐसा कुछ है इस ऑफर लेटर में, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। ये ऑफर लेटर हो गया, ये आप इसको वीज़ा देख सकते हैं, ये वीज़ा है जी इसका, आप सबको मिलता होगा ये वीज़ा, सबको मिल जाता है, कुवैत का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। ये बंदे का वीज़ा है, पूरा वीज़ा दे दिया, अब ये दे दिया। इसमें देखिए क्या है, आपको क्या लगता है, आप अगर कुवैत जाना चाहते हैं तो क्या लगता है, ऐसा हो जाता है क्या 5,000 में वीजा पासपोर्ट बंदे के पास में पड़ा, 180 KD तनख्वाह है, मात्र और मात्र टारगेट है सिर्फ 5,000 रुपये लेना, बाकी आप अपनी ऐसी की तैसी करवाइए, समझ गए। इन एजेंटों से अगर कांटेक्ट करोगे तो सच्चाई यही है, यही कड़वी सच्चाई यही होने वाला है। तो अगर आप कुवैत से रिलेटेड किसी भी देश से रिलेटेड डॉक्यूमेंट किसी के पास डाल रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, आपको वीज़ा मिल रहा है, ऑफर लेटर मिल रहा है किसी भी देश का, तो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। अरे उम्मीद, बार बार रिक्वेस्ट है कि भाई मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करें, दूसरा अल्टरनेट ये है। अगर आप चाहें तो ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम आपकी बात कर रहा हूँ, जो हमें नहीं देखते उनका तो हम वो ठगे जाते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, पर डे 1 करोड़ रुपए की इंडिया में ठगी होती है। लेकिन जो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं फिर जानबूझ के फंस जाते हैं, उसमें आपकी साफ साफ गलती है। इस बुक में भी अल्टरनेट है, पूरी इंडिया में मैन पावर ऑफिस, मेडिकल से रिलेटेड, वीज़ा कैसे चेक करें, ऑफर लेटर कैसे चेक करें, एजेंट के साथ कैसे डील करें, 41 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। बाकी इसका 1,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा आपको, तब मिलेगी ये। लेकिन मुझे लगता है कि इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे आप, मेडिकल करवा लेंगे, नॉर्मल मेडिकल करवा लेंगे, एजेंट को 5-10 हज़ार रुपये दे देंगे, यहाँ तक चल जाता है। लेकिन रियल जो चीज़ काम आने वाली है ना, वो इंटरेस्टेड कम होते हैं लोग परचेज करने के लिए। तो बस सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।